दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे घर का चिराग फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट से बारे में भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। घर का चिराग सन 1986 में आई एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना, नीलम कोठारी, चंकी पांडे, ओम शिवपुरी, अरुण बख्शी, शफी इनामदार, दीपिका चिकालिया, राजन हस्कर और तेज सप्रू नजर आए थे। इस फिल्म को सिकंदर भारती ने डायरेक्ट किया था, इसे प्रोड्यूस किया था राजीव कुमार चौधरी ने, और इस फिल्म की कहानी भी उन्होंने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स अनीस बज्मी ने लिखे थे। इस फिल्म को 22 दिसंबर सन 1989 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 2 करोड़ 10 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 6 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 12 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 85 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 8 करोड़ 50 लाख का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था और फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 5.9 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1989 की 13वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की, तो इस फिल्म के म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिए थे और इसके लिरिक्स अनजान ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 8 गाने थे और इसके कुछ गाने अच्छे हिट रहे थे। इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा गाने मोहम्मद अजीज ने गाए थे। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये फिल्म सन 1969 में आई फिल्म एक फूल दो माली की रीमेक थी। नंबर 2, ये फिल्म चंकी पांडे की सन 1989 की 8वीं और आखिरी फिल्म थी और नीलम के साथ उसी साल उनकी 3री फिल्म थी। उसी साल दोनों की मिट्टी और सोना और जख्म फिल्म भी आई थी। नंबर 3, चंकी पांडे इस फिल्म के मुंबई के डिस्ट्रीब्यूटर भी बने हुए थे। नंबर 4, ये फिल्म नीलम के करियर की उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म रही है। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।